जी शिवसेना जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई जो है, अब हम दो दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। हम कुपवाड़ा, जिला कुपवाड़ा के कई वहां पे तहसीलों का दौरा कर चुके हैं। पार्टी के प्रचार और प्रसार को लेकर हम यहां पर हैं। आज हम श्रीनगर के अंदर हैं। श्रीनगर में हमारा मकसद था कि मीडिया के साथ रूबरू हुआ जाए, मीडिया के सामने अपने इशूज़ को रखा जाए, जनता आवाम की आवाज़ को रखा जाए। मगर यहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ का जो हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, उनके लिए जो सुविधा दी गई थी यहाँ पर प्रेस क्लब की, उसको वापस ले लिया गया है सरकार ने। पहले तो मेरी ये अपील है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से कि प्रेस क्लब को जल्द से जल्द उन लोगों के सुपुर्द किया जाए जो इसके असली हकदार हैं, यानी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उनको सड़कों पर ना उतरने को मजबूर करें, उनको प्रेस क्लब जो है दोबारा वहाँ पर जो है वापस दे दिया जाना चाहिए। देखिए, हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए अलॉन्ग विद स्पेशल स्टेटस। देखिए, जितनी भी देश के अंदर सीमावर्ती राज्य हैं, सबके पास जो है विशेष राज्य का दर्जा है, तो जम्मू कश्मीर को इससे बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। शिवसेना की मांग है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो अलॉन्ग विद स्पेशल स्टेटस, जिसके अंदर ये प्रोविज़न होना चाहिए कि यहाँ के जो स्थानीय युवाएँ हैं उनके लिए रोजगार और कम से कम शिक्षा संस्थाओं में उनको आरक्षण दिया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। देखिए, 370 हटाते समय 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादे किए थे कि बहुत जल्द हम लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल करेंगे, बहुत जल्द यहां पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, मगर वह अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। तो हमारी ये मांग है और प्रधानमंत्री जी से भी हम आपके माध्यम से जो है अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 3 दशकों से आतंकवाद को झेल रही है। पिछले 3 सालों की बात करें तो 370 हटने के बाद और कोरोना कहर ने हमारे जम्मू कश्मीर की स्थिति को और दयनीय बना दिया है। यहाँ का रोजगार के अवसर नहीं है, जो स्थानीय जो लोकल उद्योग हैं वो दयनीय स्थिति के अंदर पहुँच चुके हैं। जैसे यहाँ बल्ला उद्योग है, मछली पालन उद्योग है, पशुपालन उद्योग है, हमारी फूड इंडस्ट्री है कश्मीर के अंदर, तो इनको सीधे तौर पर आर्थिक मदद दी जाए। और सबसे बड़ी हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए अलॉन्ग विद स्पेशल स्टेटस। लोगों का थोड़ा सा ना, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। आरएसएस अलग संगठन है, बजरंग दल अलग संगठन है, शिवसेना अलग संगठन है। पहले हमारा जरूर बीजेपी के साथ कोलिशन होता था, अब तो 2019 के बाद बीजेपी भी हमारे साथ विश्वासघात कर चुकी है और हमारे अलग संगठन है। कृपा करके मेरी अपील है आप लोगों के माध्यम से, आवाम से, कि इन सबको मिलाए ना, ये चारों अलग अलग संगठन है, चारों अलग अलग इकाइयां हैं।